आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है मैं एक जबरदस्त गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। बहुत मान लीजिए कि महीनों से आप लोगों का इंतजार था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं एक जबरदस्त गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में, मैं आपको बता दूँ, बम्फर वैकेंसी आने की उम्मीद है। लगभग 1.25 लाख 1.7 लाख से ज्यादा इसमें वैकेंसी आएगी। ये रेलवे मंत्रालय और आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, दोनों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, अधिसूचना जारी किया है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर में बहुत वैकेंसी आने वाली है। और इसमें क्या बदलाव किया गया है इस बार, मैं आपको वो भी बता दूंगा। कुछ चीजें बदलाव की गई हैं इसके अंतर्गत, क्या पैटर्न होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। कब तक वैकेंसी निकलेगी मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो एक बेहतरीन मौका है। मैं कितनी बार बोला हूं कि रेलवे में आपको बेहतरीन मौका, रेलवे हर वैकेंसी निकाल चुकी है। एनटीपीसी की वैकेंसी निकाल दी है, आरपीएफ की, एएलपी की, सब की। अब ग्रुप डी की बाकी थी, तो उसने नोटिफिकेशन एक जारी करके कहा है कि रेलवे ग्रुप डी में, सबसे पहले तो बता दूं, देखिए यहां पर क्लियर किया हुआ 1,80,000 से ज्यादा वैकेंसी आने की रेलवे में उम्मीद है। यह फॉर्म जो है, मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी का यह कह रहा है कि देखिए यहां पर यह रेलवे ग्रुप डी का एक क्लियर दिया हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि कह रहा है, पूरा नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, सिर्फ मैं आपको मुख्य भाग लाया हूं यहां पे, कि रेलवे ग्रुप डी में जो है या तो अक्टूबर में या नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के लास्ट तक, आप समझिए अक्टूबर नवंबर, ये दो महीने के बीच में रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो जाएगा। यह रेलवे मंत्रालय और आरआरबी कह रहा है कि 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी निकालेंगे। हाँ, अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी जो कह रहा है कि 1.25 लाख, ये अब वो इकट्ठे निकालेगा या इसको दो भाग में निकालेगा या तीन भाग में निकालेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं किया है। लेकिन वो कह रहा है कि कुल जो है हम 1.25 लाख के आसपास रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पर कुल इतनी सीटें हम निकालेंगे। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है मैं आपको वो भी बता दूं। सबसे पहले एज की बात मैं कर लेता हूं, फॉर्म कौन भर सकते हैं मैं वो भी बता देता हूं। कुछ पोस्ट इसमें बदलाव क्या किया गया कि इसमें कुछ पोस्ट बढ़ाए गए हैं। इसकी एज जो है, सबसे पहले बता दूं, 18 से 33 सामान्य वर्ग के लिए, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या जो जनरल में आते हैं, तो उनको 18 से 33 तक की एज उनके लिए दी गई है। और अगर ओबीसी में आप हैं तो 3 साल की छूट है, अगर एसटीएससी में हैं तो 5 साल की छूट है, अगर आप विकलांग हैं तो 10 साल की छूट है। अगर आप विकलांग हैं, दिव्यांग के लिए 10 साल की छूट दी गई है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की, एसटीएससी वालों के लिए 5 साल की। ये तो हो गई एज की बात। अब हम कर लेते हैं कि फॉर्म कौन भर सकता है। इस बार बहुत हो हल्ला हो रहा है कि भाई इस बार कुछ क्राइटेरिया बदलेगा, तो मैं बता दूं क्राइटेरिया तो जरूर उसने बदला है, लेकिन आप ये निश्चिंत रहें, जितने भी जो दसवीं पास हैं, टेंथ पास हैं, वो फॉर्म ये भर सकते हैं। दसवीं पास पे, टेंथ पास पे, ये फॉर्म अगर आपने टेंथ पास किया है तो ये फॉर्म आप ग्रुप डी की भर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ पोस्ट और लाए जा रहे हैं अलग से, जिसके लिए आपके पास टेंथ पास की डिग्री प्लस आईटीआई भी होनी चाहिए। वो एक टेक्निकल पोस्ट होगा जिसके लिए आईटीआई मांगेगा। नॉर्मली आप दसवीं पास पे, जैसे कि गैंगमैन होता है, ट्रैकमैन होता है, इस सब का पॉइंटमैन होता है, इस सब का आप पोस्ट जो है दसवीं पर भर सकते हैं। तो एक बेहतरीन मौका है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आईटीआई जिनके पास डिग्री होगी उनके लिए टेक्निकल पोस्ट इसमें निकाले जाएंगे, वो भी भर सकते हैं। पोस्ट जो बढ़ाएगा, देखिए ये ट्रैक मेंटेनर होता है, हेल्पर होता है, पॉइंट्समैन होता है, गेटमैन होता है, ये दो पोस्ट बढ़ाया गया इस बार, ये एक पोर्टर वाला, एक अस्पताल सहायक वाला। और वो कह रहा है कि इसमें अभी हम और भी पोस्ट लाएंगे जिसके लिए आईटीआई डिग्री होना जरूरी है। तो बाकी ये सब जो पोस्ट है आपके सामने में, इसमें से आप ये पोस्ट सब जो है ये आप दसवीं बेस पे भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। जैसे इसमें कुछ और अपडेट होता है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा, वैकेंसी निकल गई, कितनी निकली, क्या कुछ भी इसमें अपडेट होगा, तो मैं हाजिर हूं आपके लिए, आपको टेंशन नहीं लेना, सारा अपडेट मैं आपको करूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।